गाइस वेलकम बैक टू मशा लाइफ ऑन R15। सो आज हम फिल्टर के ऊपर ब्लॉग बनाने जा रहे हैं, कौन सा फिल्टर अच्छा रहेगा कौन सा अच्छा नहीं रहेगा। तो चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और मेरा इंस्टाग्राम आईडी माय लाइफ ऑन R15 उसको भी फॉलो करना और इस वीडियो को टिल एंड देखना गाइस। तो एयर फिल्टर चेंज करने के लिए आपकी गाड़ी को क्या जरूरत है क्या नहीं है करके बोल रहा हूँ। देखो जस्ट एयर फिल्टर चेंज करने से आपकी गाड़ी का परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा, माइलेज में एक दो तो ड्रॉप होगा ही होगा और बेनिफिट क्या है कि पावर ज्यादा आएगा गाड़ी में, यही है बेनिफिट। और जैसे ओपन करते मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि HP एयर फिल्टर कैसे इंस्टॉल करते हैं करके, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं कौन सा एयर फिल्टर बेस्ट है करके बताऊंगा और K&N जो मेरे पास है ये कैसे इंस्टॉल करते हैं करके भी बताऊंगा और साउंड में भी डिफरेंस बताऊंगा। तो आपको पसंद आएगा तो गाइस खरीद लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिल्टर इंस्टॉल करने से पहले ये है ब्रांड न्यू K&N एयर फिल्टर मेरे पास, स्क्रू ड्राइवर और एलेक्की इस गाड़ी में। तो चलो निकालते हैं यार। तो सीट को ओपन करो, सीट को ओपन करने के बाद इस सीट को और टैंक को ओपन करना, ये मैं फास्ट मोशन में बताने वाला हूँ अभी। तो प्लीज़ देखना ज़रूर, ठीक है, क्योंकि फास्ट मोशन में आपको बोरिंग भी नहीं लगेगा, ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो रहा है इसलिए, ठीक है। तो चलो फास्ट मोशन में दिखाता हूँ। तो गाइस ये फिल्टर बॉक्स निकाल लिया है, आपने देखा होगा, और ऊपर वाला हिस्सा ढक्कन है। तो चलो, तो गाइस कड़ी मेहनत के बाद पसीना निकालने के बाद आपके लिए फिल्टर का बॉक्स निकाल लिया है मैंने। फिल्टर तो नहीं निकालने वाला बिकॉज आपको बताना चाहता हूँ कि मैं साउंड परफॉर्मेंस कैसा है, इसलिए अभी चालू करके साउंड परफॉर्मेंस दिखा देता हूँ। बाद में K&N इंस्टॉल करके K&N का साउंड दिखाऊंगा। BHP तो K&N का ज़्यादा आएगा और इसका थोड़ा कम आएगा और दोनों की पावर कंपैरिजन करें तो K&N ही बेस्ट है। तो ये चीप अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाता है HP एयर फिल्टर जो मेरे डिस्क्रिप्शन में है। और K&N लगभग 1300 तक आएगा। तो डिफरेंस यही है कि लाइक K&N प्रिफर करना बेस्ट है। तो चलो साउंड दिखाता हूँ आपको। गाइस साउंड आपने देख लिया वैसे भी कैसा है करके। अभी भारी है K&N एयर फिल्टर की, मैं K&N अभी यूज़ करने जा रहा हूँ, इसकी तो वेस्ट हो गया मेरे लिए। अभी मैंने लगभग 6 महीने यूज़ किया HP एयर फिल्टर को, परफॉर्मेंस अच्छा ही था, साउंड भी अच्छी थी, बट मैं साउंड ज़्यादा नहीं रख पाया गाड़ी का बिकॉज ऑफ ट्रैफिक वायलेंस, ट्रैफिक ज़्यादा आवाज़ देती है, पुलिस वाले पकड़ लेते हैं करके। तो चलो मैं साउंड कैसे ज़्यादा करता हूँ कम करता हूँ आपको वो भी ट्रिक दिखाऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो चलो, तो गाइस ये है दोनों एयर फिल्टर, ठीक है। तो इन एयर फिल्टर का डिफरेंस यही है कि देखो हाइट में थोड़ा HP बड़ा है और थोड़ा ब्लैक भी हो गया, डस्टी हो गया। और HP में कुछ भी नहीं लिखा और K&N में लिखा है कि ये K&N ब्रांड है। तो आई होप अच्छा है, आपको पता चल रहा है कि कौन सा लेना कौन सा नहीं लेना। अभी इसकी आवाज़ देखते हैं, तो चलो इंस्टॉल करते हैं।
तो गाइस मेहनत किया, आज भी काले किए, ये इंडियन अभी इंस्टॉल कर दिया मैंने, इसकी आवाज़ देखते हैं कैसी है करके, ठीक है। तो 1 2 3 स्टार्ट। तो गाइस मेरे को ये आवाज़ अच्छी लगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि नॉर्मल आवाज़ है ज़्यादा। My God, it's heavy sounds, man. तो चलो आपने आवाज देख लिया होगा, अभी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि कौन सा खरीदना है कौन सा नहीं खरीदना है। लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उधर वेबसाइट से खरीद लेना, एचपी एयर फिल्टर बहुत कम में मिलता है। तो मैंने बोला था इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ट्रिक दिखाऊंगा, जैसे मैं एयर फिल्टर का बॉक्स तो खुला नहीं छोड़ने वाला हूँ, मेरे को माइलेज भी चाहिए, तो ट्रिक दिखाने वाला हूँ क्या है। तो जब ये बॉक्स कवर करते हैं तो इससे मतलब जो ये दोनों स्क्रू होते हैं या चारों के स्क्रू, हाँ 70% ऑफ द स्क्रू अंदर टाइट कर देना और 30% लूज ही छोड़ दो। जब गाड़ी हाई आरपीएम में जाती है ना तो बॉक्स ऊपर ऊपर उड़ के उड़ के साउंड आने लगता है, ये डिफरेंस है गाइस। मैं जब हाई आरपीएम अराउंड 4000 प्लस हाई आरपीएम में चला जाता हूँ तो ऐसी है, तो खांसी हो गई है, कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो गाइस प्लीज लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो कि क्या अच्छा लगा क्या अच्छा नहीं लगा, एंड सब्सक्राइब करना तो बनता ही है बॉस, एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट व्लॉग, ठीक है। तो सी यू।